गुलजार साहब ने कहा है, बड़ी खूब रूह देखिए, कभी रूह को महसूस किया है। जागते जीतोए दूधिया कोहरे से लिपट कर सांसें लेते हुए इस कोहरे को महसूस किया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम सिद्धार्थ विद यू एंड मे एक्सप्लोर विद अनदर ब्लॉग्स। यस, इट इज़ दाभोसा वाटरफॉल, the best location and adventure place near Jawhar from a fun ride and drive. So let's explore this place with Siddharth and let's have a complete of route plan, tips, things to do, how to reach nearby places to visit, distance from other cities. So it will help you as travel guide to plan your trip. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ बिकॉज ऑफ इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस टू एन्जॉय द म्यूजिक, द सीनिक व्यू ऑफ दैट प्लेस। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, देन यू जस्ट एन्जॉय द वीडियो टिल एंड। वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज यू विल रियली मिस सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। दाभोसा वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन जवाहर, the reserve forest area and the best nearest hill station near Mumbai, Nasik and Gujarat border, located Jawhar तहसील डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र, इंडिया। ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है कि कोई कहता है ये राजस्थान बॉर्डर पे है, कोई कहता है ये गुजरात में है, कोई कहता है महाराष्ट्र में है, कोई कहता है ये सिलवासा में, बालसाड में है, बट बेसिकली ये मुंबई एंड गुजरात की बॉर्डर पे है। दाभोसा वाटरफॉल नेम्ड बाय दाभोसा विलेज लोकेटेड इन जवाहर तालुका, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द लैंड रिवर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 300 फीट, सो इट्स बिकम फेमस दाभोसा वाटरफॉल। Many adventure lovers visit this place to feel real life adventure, and also a tourist attraction near Maharashtra-Gujarat border. It is also become a weekend getaway spot for many nature lovers. Like me, I am traveling a lot. I love nature. I love destinations. आपको कभी ऐसा एहसास होगा ना, ये ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे सुकून, शांत, यू नो, सच ब्यूटीफुल, आपको ऐसा अच्छा महसूस फील होगा। ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे बस आप और आपके नेचर फॉर द एंट्रांस। आप वीडियो में देख सकते हो, पहले ही मैंने दिखाया था एक डैम। तो फिर मैं क्विकली आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, देन आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। सो आप थिंग्स, टिप्स एंड थिंग्स टू डू, आप क्या कर सकते हो दाभोसा में। यू कैन डू रॉक क्लाइंबिंग नियर दाभोसा वाटरफॉल, फॉर दैट यू नीड टू टेक द राइट गाइड एंड एडवेंचर परमिशंस। Best place to stay near Daಭosa waterfall is Jawhar because you can get multiple choice of hotels, budget, resort and luxury hotels. Jawhar is a historical place near here. You can see the Mukan Palace and Shiv architecture here. Sirim, sorry, I'm not pronounced it. Sirim Palam is सिरपालमल, आपने देखा होगा वीडियो में सिरपालमल, जिसको कहते हैं कि सनराइज पॉइंट। सिरमाल फॉल इज ए सनराइज पॉइंट ऑफ दाभोसा। As well, you can visit many water reserve and dam. Don't go near the waterfall during high flow. It is very risky actually. शायद आपने देखा होगा कितना ऊपर से वो कितना फ्रेश है वो वाटरफॉल्स का। पर्सनल व्हीकल विल बी एड ऑन एडवांटेज टू विजिट जवाहर टूरिस्ट प्लेस। का जो रोड है काफ़ी नैरो है, जस्ट लेट्स एंजॉय द वीडियो टिल एंड विद द सीनिक व्यू, द नेचर। This is the dam what I was talking about. आपने सोचा होगा कि मैं दिल्ली में बैठ के गुजरात की महाराष्ट्र के वीडियो कहाँ से अपलोड करता हूँ। मेरी टीम है अहमदाबाद में, बॉम्बे में। वेरी गुड टीम ऑफ माई ब्लॉगर चैनल्स। आज वेला जो ही हम काफ़ी सर्च करते हैं गूगल में और हमें काफ़ी फ्री फुटेज मिलता है जिसके थ्रू से हमें इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाते हैं। और ये जो दाभोसा है कि ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अब यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो 3 से 4 वीडियो मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो एक काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने डिसाइड किया कि उसको एक्सप्लोर करेंगे। और गुजरात की तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स बना चुका हूँ, तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। शायद कोलकाता, पहले उड़ीसा किया, देन दिल्ली की, देन अभी गुजरात, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड। उसके बाद मैं खुद ट्रैवल करके वीडियो बनाऊंगा। और ये बेस्ट टाइम टू विजिट है ना मानसून में जाओगी तो यार मज़ा आ जाएगा। और ये देख रहे हो वाटरफॉल कितने ऊंचाई से, ओ माय गॉड। इसके पानी का प्रेशर कितना ज़बरदस्त है। मैंने तो ऐसे वाटरफॉल कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा था। ये तो फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ वाटरफॉल। जैसा दाभोसा रिजॉर्ट, ये स्टेप से नीचे जाने के लिए, और उसके बाद आप वाटरफॉल के पास पहुंच सकते हो। ये काफ़ी अलग अलग एरिया में है। डैम एक जगह पे है, वाटरफॉल एक जगह पे है, बट दिस ऑल इन दाभोसा ओनली। दाभोसा विलेज जो कि जवाहर से 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप देख रहे हो कितने प्रेशर, जैसे ब्यूटीफुल ऐसे लग रहा है कि बस वहाँ पे बैठ जाओ और देखते रहो देखते रहो देखते रहो। शो में अभी मेरा कहना बंद कर देता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। तो अभी होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स सो दैट आई कैन ग्रो। एंड मैं आपके लिए काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। तो जाते जाते एक छोटा सा पोएम आपके लिए डेडिकेट करता हूँ बाय जवाहरलाल नेहरू। So close my video with a quote by Jawaharlal Nehru. We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open. So thank you so much for today's. We'll see you soon with another blog of Gujarat only. I think so. We can plan for Gujarat only. Because of I have मैंने अभी तक अहमदाबाद का एक भी ब्लॉग्स नहीं बनाए कनकरिया लेक के अलावा। कनकरिया लेक एंड नेचर पार्क हमने ब्लॉग वीडियो बनाई थी, एक्सप्लोर किया था। तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट साबरीमती आश्रम एक्सप्लोर करूँ। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, बाहर मत जाना ज़्यादा, डोंट गो आउट, स्टे सेफ एट होम, वेयर मास्क, हैव गुड फूड, हॉट वाटर। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली इज़ टू कोल्ड, सो आई नो, सो थैंक यू। तो स्टिल आई थिंक सो गुजराती इज़ ऑन. So we'll meet again on next video. So मैं जो हमेशा कहता हूँ, कभी अलविदा ना कहना. क्योंकि हाँ, मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. So my dear friend, thank you so much for watching this video. And again I requesting you all, don't forget to subscribe, like, comment and share with others. Thank you so much. Bye bye. Take care.